वेलकम बैक बैक बेंचर्स। और आज हम 10वीं क्लास का फर्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। हमारे चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हमने ये समझना होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। अगेन रटा नहीं लगाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम सिंपली किसे बोलते हैं, अगर एक बॉडी टू एंड फ्रो अगर मूव करे। हमने 9th क्लास में, अगर आपको याद हो तो आपने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, और टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास एक वाइब्रेटरी मोशन थी। तो असल में वही वाइब्रेटरी मोशन है। और वाइब्रेटरी मोशन क्या थी कि अगर एक बॉडी अपने मीन पोजिशन के, लेट्स सपोज ये हम इसका क्या हो गया मीन पोजिशन, उस पोजिशन को बोलते हैं जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होती है, जहाँ पे वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। जिस तरह ये बॉल इस पॉइंट पे रेस्ट पे पड़ी तो मैं कहूँगा ये इसका मीन पोजिशन है। और अगर मैं इसको उठा के यहां ले जाऊं, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं ए, और इसको मैं कह देता हूं कि ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। और इस तरह अगर मैं यहां पे इस बॉल को यहां ले जाऊं, और ये मैं कह देता हूं ये पॉइंट बी है, और इसको भी मैं कह दूंगा ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, तो अगर एक बॉडी ऑसिलेशन किसे कहते हैं, वाइब्रेशन किसे कहते हैं, अगर एक बॉडी अपने मीन पोजीशन के इट गेन टू एंड फ्रो मूव करेगा तो दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। लेट्स सपोज अगर मैं इस बॉल को या इस पेंडुलम जो है हमारे पास एक छोटा सा, इसको अगर मैं यहां पे एक्सट्रीम पॉइंट ए पे ले जाता हूं और इसको मैं छोड़ देता हूं, तो ये अपने मीन पोजिशन के इट गेन मूव कर रहा है, और इसको हम बोलेंगे ऑसिलेशन। वेरी सिंपल, झूले के भी मूवमेंट आपने देखे होंगे, अगर आपने कभी झूला लिया हो तो वो भी अपने मीन पोजिशन के इट गेन क्या होता है, टू एंड फ्रो मूव करता रहता है। तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट ऑसिलेशन। हम इसमें कुछ और भी मजीद इंक्लूड करेंगे जो कि आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन हम इसको मजीद इंक्लूड करेंगे क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि वो भी मैं आपको बता दूं। हमारे पास जब भी हम इस पेंडुलम को यहाँ पॉइंट ए पे लेके जाएंगे तो हमारे पास दो तरह की एनर्जी है, आपको अच्छे से पता है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट ए पे हमारे पास हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मिनिमम हो जाती है, वो जो कि जीरो हो जाती है। क्योंकि ये बॉल एक सेकंड, हल्के सेकंड के लिए जाके वहाँ पे क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, कि एनर्जी स्टोर हो ड्यू टू सर्टन हाइट। अगर किसी भी हाइट की वजह से हमारे पास एक एनर्जी स्टोर हो रही है या उस, तो उसको हम बोलेंगे वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो, मीन पोजीशन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब ये यहाँ से गुजर के जाएगा ना वापस, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पॉइंट बी की अगर मैं बात करूँ, अगेन यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है ड्यू टू सर्टन हाइट, क्योंकि देखो ये यहाँ से आके ऊपर आ रहा है, तो जब एक हाइट की वजह से हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आपका ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दिया है, और काइनेटिक एनर्जी अगेन जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी एक बॉडी किसी मोशन की वजह से हो रहा होता है, अगर मोशन की वजह से एक चीज़ चल रही है तो उसमें हम बोलते हैं कि उसके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर एक सर्टन हाइट पर जाके अगर हम एक बॉडी को रख के वापस नीचे धकेले तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। हम अक्सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करते हैं, टर्बाइन को चलाने के लिए हम पानी को स्टोर करते हैं हाइट पर, फिर पानी को रिलीज करते हैं, तो उसके ज़रिए हम क्या कर देते हैं, बिजली पैदा हो जाती है, टर्बाइन घूमते हैं। तो जब भी एक एनर्जी सर्टन हाइट की वजह से अगर एक एनर्जी स्टोर हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और जब यू मोशन की वजह से एक एनर्जी जा रही है तो वो क्या कहलाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो ये देखें, इस पॉइंट पे मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो, फिर एक वक्त आएगा कि दोनों ही जीरो हो जाएंगे हमारे पास। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑसिलेशन। अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको हम देखते हैं जो कि यूज होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। जिस तरह के हमारे पास फर्स्ट वन साइकिल है, मैं बता चुका हूँ ऑसिलेशन साइकिल। लेट्स सपोज हम इसी पेंडुलम को अगर पॉइंट ए जो है हमारे पास, इस पे अगर मैं लेके जाता हूँ और यहाँ से इसको छोड़ देता हूँ, और यहाँ बी पॉइंट पे जाने के बाद एक्सट्रीम पॉइंट पे, अगेन जब ए पॉइंट पे आता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास वन साइकिल कंप्लीट हो गया, वन ऑसिलेशन हमारे पास हो गई। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब हमारे पास दो पॉइंट कौन कौन से होंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट अक्कर होगा, तो बैक बेंचर्स जोर से देख लो, अभी भी नहीं देखोगे तो कब देखोगे। तो ये देखो, ये हमारे पास ये पॉइंट जो जमीन पोजीशन है यहां से यहां तक, इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, एक्स से डिनोट कर सकते हैं हम इसे, और ये बी से इस तक मीन तक,
इन दोनों को हम एक्स कह सकते हैं और ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और हम डिस्प्लेसमेंट को मेयर करते हैं मीटर्स में, मीटर्स का क्या है हमारे पास, यूनिट है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि कितना हाई डिस्प्लेसमेंट वो जो होता है वो कवर करता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये पेंडुलम ए था हमारे पास और इसको मैं यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अगर मैं इस मेन पोजिशन से देखूँ इस साइड से, तो वो इतना हुआ, और अगर इस साइड से देखूँ तो वो इतना हुआ। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, ये हाईएस्ट इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। अब मैं एक और पेंडुलम ले लेता हूँ कि ये मेरे पास पेंडुलम बी है और मैं लेट्स सपोज इसको अब यहाँ से रिलीज करता हूँ, तो देखो इसने इस वाले से ज्यादा, इस साइड से भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया और इस साइड से भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया अपने मेन पोजिशन से। तो हम क्या कहेंगे कि जो पेंडुलम बी था उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था क्योंकि उसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। और जो जो टाइम गुजरता जाता है अगर हम एक पेंडुलम को रिलीज करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। तो इसको नोट करनी है ये वाली बात, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। और मैं जर सी बात ये भी हमारे पास एक किस्म की लेंथ ही होगी तो हम इसको किस में नापेंगे, कॉमन सेंस, इसको भी हम मीटर्स में नापेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड ये है कि एक सेकंड में या एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना उसको टाइम लग रहा है, एक साइकिल कंप्लीट होने में हम उसको कहेंगे वो उसका क्या है, वो टाइम पीरियड है उसका। लास्ट है, लास्ट नहीं बल्कि अभी हमारे पास नेक्स्ट वन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में रिलेशनशिप भी है और टाइम हम किस में मेजर करेंगे, सेकेंड में। ओके, अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं कि कितनी दफा वो चीज रिपीट हो रही है एक सेकेंड में। ये बातें याद रखनी, एक सेकेंड में कितनी दफा ये पेंडुलम यहां से वहां जाता है फिर वहां से यहां आता है। ओके, अभी ये तकरीबन एक सेकेंड में एक ही दफा क्या कर रहा है, साइकिल काट रहा है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम का आपस में इनवर्सली रिलेशनशिप है क्योंकि हम ये बात करते हैं कि एक सेकेंड में, ऐसे नहीं कहना कि ज्यादा सेकेंड में वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे देगा, ऐसे नहीं। हम बात ये करते हैं, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये है कि एक सेकेंड में वो कितनी दफा हमारे पास साइकिल काटता है एक सेकेंड में। ओके, तो जो रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी का और टाइम का वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। हमारे पास टी टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है 1/f। अब इनवर्सली का मतलब क्या है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास टाइम बढ़ रहा है तो ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कैसे, क्योंकि हम बात करते हैं एक सेकेंड में। लेट्स सपोज इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल करके समझ लेते हैं, मुझे थोड़ा ये एरिया इरेज करना पड़ेगा तो ये नोट डाउन। अगर तो मेरे पास ना एक पेंडुलम है, यही पेंडुलम था ठीक है, और वो एक सेकेंड में 1/f हमने फार्मूला बताया, तो वो एक सेकेंड में लेट्स सपोज मैं कह लेता हूँ वो 3 हर्ट्ज हमें क्या दे रहा है, फ्रीक्वेंसी दे रहा है। ओके, ये पेंडुलम ए था मेरे पास। एक और पेंडुलम है मेरे पास यहाँ पर, पेंडुलम बी, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/f यानी कि टाइम अगर मैं निकालूँ वो दे रहा है 6 हर्ट्ज की, ठीक हो गया। अब इस दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 0.33 सेकेंड का जो है टाइम आ रहा है, और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0.16 सेकेंड। तो यहां पे क्या पता चला, होर से देखो, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से क्या है, स्मॉलर है, यानी कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी टाइम कम हो जाएगा। ओके, तो यही इन दोनों का आपस में इनवर्सली रिलेशनशिप है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा आज तक का जो टॉपिक था ऑसिलेशन का, और हमने टर्मिनोलॉजी भी पढ़ ली। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।